गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम आयुष पुरोहित फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुड़गांव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ऑफ क्लास 6, बुक नेम हनी सकेल, चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नेम, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक के घर का काम कौन, गृह कार्य कौन करता है. ठीक है, तो बच्चों, बिफोर गोइंग टू रीड अ चैप्टर, वी विल टेक अ ओवरव्यू ऑफ अ चैप्टर. तो बच्चों, आपको कभी भी होमवर्क मिलता होगा, स्कूल से मिलता होगा, ट्यूशन से मिलता होगा, तो क्या आप उस होमवर्क को खुद करते हैं या आप किसी की हेल्प लेते हैं, है ना, या अपने बड़े भाई की, दीदी की, भैया की, मम्मी की, किसी की भी आप हेल्प लेते हैं, या आप खुद करते हैं, या किसी को बोल देते हैं, कोई आपका होमवर्क आपके बदले कर देता है. तो कभी 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 ना कभी आपने भी कभी ऐसा किया होगा, अपने बड़े भैया, बड़ी दीदी, बड़े बहन या छोटे भाई बहन से अपना होमवर्क कराया होगा. मीन्स आपने खुद होमवर्क करा करके उन्हें बोला होगा और उन्होंने आपका होमवर्क किया होगा. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में भी होने वाला है, क्योंकि जो हमारा जो चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसमें भी कुछ इसी तरीके की सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलेगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेट. ही प्लेस हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. तो बच्चों, पैट्रिक जो है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, यानी कि पैट्रिक जो है कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था. वो क्या कहता था, ही सैड, वो कहता था टू बोरिंग, यानी कि ये कैसा है होमवर्क, कैसा होता है, बहुत ज्यादा उबाऊ होता है, यानी कि ऐसा काम जिसको करते हुए आदमी को खुशी महसूस नहीं होती है. ठीक है, ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. तो क्या है, पैट्रिक जो है अपना होमवर्क करने की बजाय क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेला करता था. पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. तो उसके जो टीचर्स थे वो उससे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही फील लाइक एंड इनोमोरस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. तो बच्चों, कभी कभी पैट्रिक को भी ऐसा लगता था, कभी कभी पैट्रिक को एक इनोमोरस जैसा लगता था. मींस इनोमोरस मतलब होता है बच्चों एक ऐसा इंसान जिसकी कहीं ना कहीं पढ़ाई में, किसी चीज में, पढ़ाई में या एजुकेशन में थोड़ा सा कमी हो. ठीक है, तो पैट्रिक को भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन में कमी है, पर वो क्या कर सकता था, है ना, उसको होमवर्क करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. ठीक है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. टू सरप्राइज इट wasn't a doll at all. तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, जो पैट्रिक है वो देखता है ये कि उसकी जो कैट है, यानी कि उसकी जो बिल्ली है, एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, है ना. तो पैट्रिक क्या करता है, उसको छीन लेता है. पैट्रिक कैट से डॉल को इसलिए छीन लेता है ताकि क्या करे, वो उस डॉल के साथ खेले. लेकिन जैसे ही पैट्रिक उस डॉल को छीनता है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज इट वॉजेंट अ डॉल, क्योंकि वो डॉल तो थी नहीं, है ना, वो क्या था, बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट. मच लाइक अ विच ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, I will grant you a wish, promise for that.
तो वो एक छोटा सा आदमी था, टाइनियस्ट, यानी कि छोटे से साइज का जो है वो आदमी था, जिसे पैट्रिक डॉल समझ रहा था, है ना। और उसने क्या पहना हुआ था, एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी और एक पुराने ब्रीचेस पहना हुआ था। बच्चों जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक छोटा सा आदमी, उसने क्या पहनी हुई है, वूल की शर्ट पहनी हुई है और एक ब्रीचेस पहना हुआ। तो बच्चे जो ब्रीचेस होता है ना, वो ट्राउजर से थोड़ा छोटे साइज का होता है, या जिसे आप कैपरी जिसे आप लोग बोलते हैं, वो चीज आपका ब्रीचेस होता है, ठीक है। तो तीसरी चीज जो थी, उसके पास एक बहुत ही ऊंची हैट थी, जिसे कि आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। इस इमेज में आपको क्लियर हो रहा होगा एक एक चीज। तो कहता है वो कैसा दिख रहा होता है, विच की तरह दिख रहा होता है। बच्चों विच मतलब होता क्या होता है, जादूगर, ठीक है, जादूगर। तो वो जादूगर की तरह दिख रहा होता है। वो कहता है ही येल्ड, वो क्या कहता है, सेव मी, मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना। यानी कि वो कहता है मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना, मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक विश पूरी करूंगा, यानी कि तुम्हें एक विश पूरी करूंगा, है ना, तुम्हारी विश पूरी करूंगा जिसका मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सैड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 डेज, इफ यू डू गुड इनफ जॉब आई कुड गेट एज। तो पैट्रिक जो है विश्वास नहीं हो रहा होता पैट्रिक को, क्यों, कितना ज्यादा लकी है। बच्चों बिलीव मतलब होता है विश्वास, और लकी मतलब होता है भाग्यशाली या किस्मत वाला है, कि यहाँ पे बिना कुछ किए उसकी सारी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकल गया था, ठीक है। तो पैट्रिक उससे कहता है सिर्फ एक शर्त पे मैं तुम्हें कैट को वापस नहीं दूंगा, कि तुम 35 डेज तक, यानी कि 35 दिनों तक क्या करोगे, मेरा जो है जितना भी होमवर्क है वो सब करोगे, टिल माई सेमेस्टर एंड, जब तक कि मेरा सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक कि सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता है तब तक आप मेरा होमवर्क करोगे, और उसके बाद अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे एज मिलेंगे, ठीक है। मैंस फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, ही किक्ड हिज लैग, डबल हिज फिस्ट एंड ग्रिमेंस एंड स्क्रोल्ड परस्यू हिज लिप्स, ओ आई एम क्रॉस्ड बट आई विल डू इट। जो छोटा सा आदमी उसका फेस कैसा होता है, रिंकल्ड हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। कैसे सिकुड़ता है, जैसे कि किसी डिश क्लॉथ को हैम्पर, यानी कि डिश क्लॉथ होता है बच्चे जिस कपड़े से जो खाने के बर्तन वगैरह खाना देने से पहले साफ किए जाते हैं, खाने के बर्तन पकड़े जाते हैं, उस तरीके के कपड़े को क्या कहा जाता है, डिश क्लॉथ किया जाता है, या जिसका क्या किया जाता है, डिश को वॉशिंग में जिसका जिस कपड़े का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उस कपड़े को जैसे किसी हैम्पर यानी कि बास्केट में फेंक दिया हो, ऐसा उस आदमी का फेस हो गया था। वो क्या कहता है, किक्ड हिज लैग, वो कहता है गुस्से में अपना पैर जो है जमीन में पटकता है, गुस्से में अपना पैर जमीन में पटकता है, और क्या करता है, डबल हिज फिस्ट, यानी कि अपनी दोनों मुट्ठियां बांध लेता है। बच्चों ये इस तरीके के अप करके वो पैट्रिक को तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पैट्रिक ने उसको बचाया है, लेकिन पैट्रिक ने उसे एक ऐसा काम दे दिया है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना एंगर यानी कि अपना गुस्सा इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, उसे बहुत ग्रीमेंस हो जाता है, यानी कि क्या होता है, वो अपने अपना बुदबुदाता है, है ना, बुदबुदाता है, और कहता है अपने लिप्स से बुदबुदाते हुए कहता है, मैं क्या हूँ, शापित हूँ, लेकिन मैं इस काम को जरूर करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ, ठीक है, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नोज व्हाट टू डू, ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी he had says, and Patrick would have to help in whatever ways. तो बच्चों अपने words को, वो जो आज elf था अपने शब्दों का कैसा था, काफी
पक्का था, है ना। तो वह अपने शब्दों का काफी पक्का था, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक ग्लिच था। ग्लिच था यानी कि कोई फॉल्ट था या कोई समस्या थी। वो क्या था कि वो जो एल्फ, वो जो छोटा आदमी था जो कि एल्फ है, कभी हमें पता चलता है वो क्या है, एक एल्फ है, उसको हमेशा पता नहीं होता था कि क्या करना है। मीन्स उसे हमेशा नहीं पता होता था कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, कौन सा काम को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है। तो ऐसा उसे कुछ भी नहीं पता होता था। उसे हर समय किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, हेल्प की ज़रूरत होती थी। तो वो कहता था हेल्प मी, हेल्प मी। और जब वो ऐसा कहता था, पैट्रिक को उसकी मदद करनी होती थी किसी भी प्रकार से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्रीड वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, नो वट इवंस बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाई ईच लेटर। तो वो आदमी होता है, कहता है कि पैट्रिक की बुक जब वो पढ़ रहा, होमवर्क जब वो पढ़ रहा होता, कहता है मुझे ये शब्द नहीं मिला, मेरे लिए क्या लाओ, डिक्शनरी लाओ, ठीक है। तो लेकिन वो पैट्रिक कहता है कि डिक्शनरी लाने से अच्छा किसी भी एक शब्द को आप एक एक करके पढ़ सकते हो, ठीक है, एक एक करके पढ़ सकते हो। जैसे हमने इसको पढ़ा डिक्शनरी, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, DICTIONARY, तो इतना क्या हो गया, डिक्शनरी, ठीक है। When it come to the maths, Patrick was out of luck. What are the timetables? The elf shingles. We elves never need that. तब क्या होता है बच्चों, जब मैथ की बारी आती है तो यहाँ पर पैट्रिक का लग, पैट्रिक का साथ नहीं देता उस आदमी बच्चे को, यानी कि उस लड़के को, जो था यहाँ पर ट्रिबल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, ये सब चीज़ें करने, यानी कि मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स में उसे क्या होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और उसे क्या होता था, टेबल्स क्या होती हैं वो भी उसे नहीं पता होता था। हेयर सिट डाउन बिसाइड्स मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्फ नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, सो द लिटिल हैव ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गो लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी टू रीड दैम। तो बच्चों क्या होता है, एल्फ कहता है हम एल्फ्स को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, किसकी, मैथ्स की और टाइम टेबल की। तो एल्फ कहता है मेरे बगल में बैठ जाओ और हमें, मुझे बताते रहो, हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए क्या है, हमारे लिए एक मिस्री है, यानी कि रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी गेट अ शाउटर एंड गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी। तो लिटिल एल्फ उसी समय चिल्लाता और कहता है जाओ लाइब्रेरी की तरफ जाओ और मुझे बहुत सारे किताबें चाहिए और उन्हें पढ़ने में मेरी मदद करो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, पैट्रिक क्या करता है, लाइब्रेरी जाने की सोचता है और उसकी हेल्प करने की सोचता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे एंड एवरी वे द एल्फ वॉज अ नैक, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, वॉज इट अ ड्रैग, एंड ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट वेरी, सो गोइंग टू स्कूल हिज आईज प्लफ्ड एंड ब्लरी। तो बच्चों जी क्या है, पैट्रिक जो है पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, उसे सोने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था, तो क्या हो रहा था, उसकी जो आंखें वो कैसी हो जा रही थी, वियरी एंड प्लफी हो जा रही थी, ठीक है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लिप आउट एंड आउट द बैक डोर। तो क्या होता है बच्चों, स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है और जो एल्फ, यानी कि जो एल्फ है, वो घर के पिछले दरवाजे से निकल जाता है, ठीक है। तो पैट्रिक को क्या होता है, एज मिलते हैं, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड एंड हिज टीचर, हिज पेरेंट्स, दे वर अमेज्ड, ही वॉज तो क्या हुआ, जो उसके टीचर्स हैं उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि पैट्रिक को क्या मिल गए हैं, एस मिल गए, ए मिल गए हैं सभी जगह पे, ठीक है। तो उनको क्या वंडर्ड होता है कि पैट्रिक कैसा है, एक मॉडल किड हो चुका है ना, वो क्या हो चुका है, एक मॉडर्न हो चुका है, ठीक है। तो
उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो सब क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पैट्रिक जो है एक मॉडल किड हो चुका है ना, यानी कि ऐसा बच्चा हो चुका है जिसका हर जैसा हर कोई बनना चाहता है कि जिसे अपना कोई अच्छा काम करे, वो फिट एंड फॉर बन के आए, है ना, अपना रूम को क्लीन रखे, अपना चेयरफुल रहे, जो कभी रूड ना हो। तो ऐसा एक न्यू जो एटीट्यूड है वो पैट्रिक के अंदर आ गया था, और पैट्रिक जो है मॉडल किड जो है वो बन गया। ठीक है, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टैनी माइंड डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई शेयर अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डोन इट अलोन। तो बच्चों, तो क्या होता है, पैट्रिक के टीचर्स वगैरह खुश होते हैं, सब खुश होते हैं, लास्ट में जो टाइनी मैम आदमी होता है वो अपना सारा होमवर्क करके चला जाता है ना। तो पैट्रिक जो है वो यही सोचता होता आज भी कि ये काम सारा किसने किया है, उस छोटे टाइनी आदमी ने किया है। बट मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ कि कोई भी एल्फ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पैट्रिक ने यह सारा काम खुद से किया है। कैरोल मोरी के द्वारा लिखी गई ये पोएम है बच्चों। पहला चैप्टर आपका इंग्लिश का यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड कमेंट योर प्रॉब्लम्स, आई विल आंसर योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।